हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप रोज़ाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट, मुख्य समाचार की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। इसके साथ ही आप सभी लोगों से बार बार कहना पड़ता है, शिकायत है, वीडियो तो आप सभी लोग देख लेते हैं पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हो ना ही वीडियो को शेयर करते हो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित हरियाणा में लाल डोरे के बाहर भी होंगी जमीन की रजिस्ट्रियाँ, योजना जल्द। हरियाणा के गांवों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी आ गई है, अब वे लाल डोरा क्षेत्र के बाहर की ज़मीन भी रजिस्ट्री करा सकेंगे। हरियाणा सरकार राज्य में अब लाल डोरे के बाहर की ज़मीन और मकानों की भी रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए लाल डोरे के बाहर रह रहे लोगों के लिए जल्द ही योजना लॉन्च की जाएगी। फिलहाल लाल डोरे के भीतर ग्रामीणों को मालकाना हक देने के लिए भू संपत्ति की रजिस्ट्रियों का काम तेजी से चल रहा है। जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। हरियाणा में अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ेगी मानसूनी हवा, 3 से 4 दिनों में वापस होगा मानसून। अरब सागर में बने एक कम दबाव का क्षेत्र व साथ में पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन न बनने से नमी वाली हवा राज्य की तरफ आने से प्रदेश भर में उत्तर व पश्चिमी क्षेत्रों में 4 अक्टूबर तक हवा और गरज चमक के साथ कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी। हवा में बदलाव की संभावना को देखते हुए अगले 24 घंटों में मानसूनी हवा कमजोर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे प्रदेश भर में 10 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने व बीच बीच में हल्के बादल संभावित हैं। हरियाणा के सिरसा में डेंगू का खतरा बढ़ा, संक्रमित मरीजों की संख्या 100 के पार। डेंगू से बचने के लिए यहाँ पर अपने उपाय कर सकते हैं। तो सिरसा में डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिरसा व डब्वाली अस्पताल में 25-25 बेड्स का डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्षेत्र में सर्वे कर रही हैं, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं वहां स्लैब तैयार की जा रही है। कुरुक्षेत्र के भिवानी खेड़ा में खुलेगा राजकीय पशु चिकित्सा कॉलेज, VLDA डिप्लोमा कर सकेंगे युवा। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को राजकीय पशु चिकित्सा कॉलेज की सौगात दी है। भिवानी खेड़ा में 11 एकड़ ज़मीन में राजकीय पशु चिकित्सा कॉलेज खोला जाएगा। विधायक सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, अब पानीपत की गाजर, गुरुग्राम का आंवला और सिरसा के किन्नू को मिलेगी नई पहचान। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अब अम्बाला के प्याज, पानीपत की गाजर, गुरुग्राम के आंवला का सिरसा के किन्नू को नई पहचान मिलेगी। हरियाणा करनाल में स्कूल के लिए निकला था 10वीं का छात्र, आधे घंटे बाद घर आई मौत की खबर। करनाल की सी कॉलोनी का रहने वाला 10वीं का छात्र स्कूल के लिए निकला था, आधे घंटे के बाद उसकी मौत की खबर घर पर आ गई। शताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा, फीस न देने के बहाने के चलते बताया जा रहा था परेशान। गृह मंत्री अनिल विज ने स्वर्ण पदक विजेता शूटर सरबजोत को किया सम्मानित, बोले खिलाड़ी करे जोरदार प्रदर्शन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज गोल्ड मेडलिस्ट शूटर सरबजोत को सम्मानित किया। गृह मंत्री ने कहा अम्बाला में शूटिंग की सुविधा मौजूद है, खिलाड़ी अपना जोरदार प्रदर्शन करे। जूनियर वर्ल्ड कप में 2 स्वर्ण पदक जीते शूटर सरबजोत सिंह। रोडवेज बस से टकराई धान की बोरियों से लदी ट्रैक्टर ट्राली, सवारियों में हड़कंप। नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर तुलसीदास पेट्रोल पंप के पास हरियाणा रोडवेज की बस व धान की बोरियों से लदी ट्रैक्टर ट्राली आपस में टकरा गई। इससे बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। गलीमत यह रही कि कोई यात्री हादसे में हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई है। तो बात कर रहे हैं घड़ौदा की। हरियाणा के घड़ौदा से बड़ी खबर आ रही है, अब तक शुरू नहीं हुई धान की सुचारू खरीद, मंडियों में मारे मारे फिर रहे किसान, हुड्डा ने साधा है निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजीबी सरकार जानबूझकर धान, बाजरा, अन्य फसलों की खरीद का दिखावा मात्र कर रही है। ऐसा लगता है मानो सरकार MSP से धीरे धीरे अपना हाथ खींचकर किसान को बाजार के हवाले करना चाहती है। हरियाणा की गठबंधन सरकार के सारे फैसले पूरी तरह किसान विरोधी साबित हुए हैं, क्योंकि हरियाणा के किसान आर्थिक कमेरे व
पर रोज रोज नए नियम बदलकर परेशान किया जा रहा है। उड्डयन विभाग लंबी उड़ान की तैयारी में, डिप्टी सीएम ने की हिसार हवाई अड्डा पट्टियों के कार्य की समीक्षा। हरियाणा सरकार प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार सहित प्रदेश की सभी 6 हवाई पट्टियों की आधुनिक सुविधाओं से लैस करके जनता को जल्द से जल्द समर्पित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, पत्नी सहित 4 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। हरियाणा के यमुनानगर में 5 साल पहले हुई हाई प्रोफाइल मर्डर के मामले में सेशन जज ने अपनी पत्नी सहित 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि मृतक का पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ था, लेकिन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई है। नाबालिग बच्ची को बचाने के चक्कर में ऑटो चालक ने गवा दी जान, अपनी परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। यमुनानगर में वहीं नाबालिग बच्ची को बचाने के चक्कर में एक ऑटो चालक ने अपनी जान गवा दी। स्कूल जा रही कामी माजरा गांव के एक नाबालिग बच्ची ने पश्चिमी यमुना नहर के बाड़ी माजरा गांव के पास स्थित पुल से छलांग लगा दी, जिसको बचाने के लिए 2 प्रत्यक्षदर्शियों ने नहर में छलांग लगा दी। एक शख्स ने बच्ची को साकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरे शख्स की बच्ची को बचाने के चक्कर में नहर में डूबकर मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया है। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा अपडेट। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।